हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे गुलाब जामुन, वो भी जो काले वाले जाम होते हैं वो बनाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि हम इसको गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे, जो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। और इसको बनाना एकदम आसान है, एकदम कम सामग्री में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल 15 मिनट के समय में ही आपके काले जाम बनकर तैयार हो जाएंगे, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। और बनने के बाद में फ्रेंड्स, आप इसको बता नहीं सकते कि आपने इसको आटे से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए जल्दी से इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। काला जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। वजन में करें तो ये 150 ग्राम आटा है। अब सबसे पहले हम आटा को सेक कर लेंगे। तो हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद जैसे ही घी मेल्ट होएगा, इसके अंदर हम आटा डाल लेंगे। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो तुरंत हम इसके अंदर आटा डालेंगे। और आटा जो है लगातार चलाते हुए इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसको एकदम ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट में ये हल्का सा कलर चेंज करेगा तभी तक हमें इसे भूनना है। लेकिन इसको हमें लगातार चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे, ज़्यादा फुल गैस पर इसको हम नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर हल्का सा कलर आ गया है, तो इसको हमें इतना ही भूनना है। अब इसको उतार कर हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लेंगे। जैसे ये ठंडा होगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही बढ़िया लगता है खाते समय। और 2 छोटे चम्मच इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा, जो डेसिकेटेड नारियल आता है वो। और 3 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। और सारी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम नरम सा डो लगा कर तैयार करेंगे। इस डो को हमें एकदम हल्के हल्के हाथों से लगा कर तैयार करना है। बाकी इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे, एकदम हल्के हल्के हाथों से मसल कर। जैसे ही इसको हम इस तरह से गूंथ कर बना लेंगे, उसके बाद में इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, क्योंकि ये हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालकर इसको वापस अच्छे से मसल कर एकदम चिकना बना ले इस तरह का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एकदम नरम है। गूंथने के बाद इसको रखेंगे नहीं, हम तुरंत इसकी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो साइज़ आप अपने हिसाब से इसका रख लें। आपको थोड़े से छोटे जाम बनाने हैं या फिर बड़े। लोई बनाने के बाद में इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। और यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी पिस्ता ली थी और उसको हमने बारीक कूट लिया है। अब इसका थोड़ा सा पिस्ता का जो बुरादा है हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। इस तरीके से पैक करने के बाद में इसको हल्के हल्के हाथों से आप गोल बना ले। इसको ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारे गुलाब जाम जो है हार्ड हो जाएंगे। इसलिए आप इसको एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल बनाकर तैयार कर ले। हल्के फुल्के क्रैक्स रहेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में हम इसकी चाशनी नहीं बना रहे हैं, हमारे पास ये बची हुई चाशनी थी। तो इसको ये थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी है, 1 तार की चाशनी थी। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे और उसके बाद में इसको उबलने के लिए गैस पे रख देंगे। जब इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ऐसी ही चाशनी चाहिए। अगर आपको चाशनी बनानी है तो आप चीनी और पानी बराबर मात्रा में लेकर चाशनी बना लें। 1 कप शक्कर में 1 कप पानी डालकर आप चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करें। इसके लिए हमें चाशनी तार वाली नहीं चाहिए। यहाँ पे तेल को हमने एक बार मीडियम सा गर्म किया है। इसके बाद में हम इसके अंदर सारे बॉल्स डाल लेंगे, एक बार में जितने बॉल्स आएंगे डाल लेंगे। और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम जो है फुल रखा है, क्योंकि हमने मीडियम गर्म तेल किया था। इसके बाद में इसमें गैस का फ्लेम फुल रखना है। और जब आप पूरे जाम डाल लेंगे तो आप थोड़ी सी देर के लिए गैस का फ्लेम कम कर दें। और बाद में आप इसमें हल्का सा कलर आने के बाद में इसको फुल गैस पे ही सेक कर तैयार करें, क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। इसलिए हमें इसको धीमी आंच पर नहीं सेकना है, फुल गैस पर ही सेकना है। अगर आप धीमी आंच पर इसको सेक कर लेंगे तो ये जो है बॉल्स बहुत हार्ड हो जाती हैं। इसलिए आप इसको फुल गैस पर ही सेक कर बनाएं। अक्सर हम मावा के जब गुलाब जाम बनाते हैं तो उसको हम मीडियम फ्लेम पे सेक कर तैयार करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये गेहूं के आटे के जाम है। अगर आप इसको धीमी आंच पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी के अंदर भी अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, बाकी कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये तैयार थी। तो ये देखिए बॉल्स अच्छे से सिकने लगी हैं। इसके अंदर हल्के हल्के आपको ये दरार दिखाई देंगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने बॉल्स भी एकदम प्लेन नहीं बनाई थी। ये गेहूं के आटे के हैं तो आप इसको ज़्यादा प्लेन ना करें, आप इसको हल्के हल्के हाथों से बनाकर ही तैयार करें।
तो ये देखिए इसके अंदर अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप इस स्टेज पे इसको उतार कर चाशनी में डाल दें, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। जब ऐसा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और बॉल्स को निकाल कर हम सीधा ही चाशनी में डालेंगे। यहाँ पे हमारी चाशनी है वो भी अच्छे से गर्म होनी चाहिए, हमने अभी गैस का फ्लेम बंद किया था। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसको दोबारा से गर्म कर लें और गर्म गर्म चाशनी में ही आप बॉल्स को डाल दें और इसको अच्छे से चला देते हैं और बाकी के गुलाब जामुन भी हम फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से इसके अंदर हम गरम गरम जाम डालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने जो पहले डाले थे वो अच्छे से चाशनी के अंदर डीप होने लगे हैं और जो अभी बॉल्स डाली हैं ये ऊपर तैर रही हैं। तो अब ये गेहूं के आटे के जाम हैं तो इनको हमें 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी के अंदर रखना होगा ढककर, इसको आप फ्रिज में ना रखें। तो मैं आपको इसको 3 घंटे के बाद में दिखाऊंगी ये कैसे बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको 3 घंटे के बाद में इस तरीके से सर्व किया है, बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। आप भी इसी ट्रिक को ध्यान में रखते हुए बनाएं कि गैस का फ्लेम आप बिल्कुल भी लो ना रखें, फुल फ्लेम पे इसको बनाकर तैयार करें। ये अच्छे से पकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं रहता है पकने का और बहुत ही बढ़िया जाम आपके बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस काले जाम की रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।